कौन सुने इस टूटे दिल दी, देवे कौन दिलासे कोई बेड़ी दा मला ना रहा जी, कोई बेड़ी दा मला ना रहा। बेड़ी दा मला जो लोग पंजाबी नहीं समझते उनके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि किश्ती का मला नहीं रहा। ये जो गीत गाया जा रहा था ये कोई पुराना गीत नहीं है, ये कल सुबह भगवंत मान जी ने खुद अपने मुखारविंद से अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ के जश्न मना रहे थे। मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने कलाकार तो थे ही, अब क्या ज्योतिषी का धंधा भी चालू कर लिया क्या? या तो ज्योतिषी हो गए भगवंत मान जी, या उन्हें इस बात का एहसास था और इसलिए अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहे थे और जो बात उनके दिल में थी वो जुबान पे आ गई। फ्रॉयडियन स्लिप जिसे आप कह सकते हैं कि उनके जो दिल की बात थी वो जुबान पे आ गई, बेड़ी दा मला ना रहा। और आज आम आदमी पार्टी के साथ यही घटना घट रही है जिसके लिए कल भगवंत मान जी ने अपनी जुबान से सुबह ये प्रगटावा किया था। समय किसी को नहीं पता था परंतु शायद भगवंत मान जी को इसका एहसास हो गया, और अकेला एहसास भगवंत मान जी को नहीं राघव चड्ढा जी को भी हो गया सर। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये सवाल पूछा था कि वेयर इज राघव चड्ढा, बयान कई अखबारों में छपाए गए कि शायद रेटिना डिटैचमेंट को लेके इंग्लैंड गए हुए हैं, लंदन गए हुए हैं राघव चड्ढा जी। मैंने अपनी सहानुभूति भी प्रकटाई और कल राघव चड्ढा जी का एक ट्वीट आता है, फॉर योर बेनिफिट एक मिनट में आई बेग योर पेशेंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। राघव चड्ढा जी का ट्वीट है कल का, वेयर ही सेज यस्टरडे वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू विजिट पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर टू अटेंड द प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन सेशन। ये करके आखिर में वो बोलते हैं, आई थैंक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर नव पी मिश्रा जी, एनएमपी वीरेंद्र शर्मा जी फॉर द इन्विटेशन एंड ग्रेशियस हॉस्पिटैलिटी। जिन शर्मा जी के लिए उनका धन्यवाद कर रहे हैं, आज एक न्यूज रिपोर्ट छपी है उन्हीं के संबंध में, वीरेंद्र शर्मा जी जिनका नाम उन्होंने लिया है, जो बता रहे हैं खुलासा कर रहे हैं राघव चड्ढा जी के एक्सटेंडेड स्टे इन लंदन को लेके। वीरेंद्र शर्मा जी को मैं कोट कर रहा हूं बकौल न्यूज़पेपर रिपोर्ट के, देयर वर नो मीटिंग्स, ही ओनली अटेंडेड प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन आवर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ हिज यूके विजिट। किस पर्पज वास्ते गए है, क्यों गए, अख दे ऑपरेशन का किस से कोई ना उन्होंने चर्चा ना कहने मैं पता, वो आ गए ते उथे बैठे सीगे, इन सबको एहसास था साहब।